कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। चलिए पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ कि उसमें क्या होगा कि यूजर से एक वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, और फिर फंक्शन में जाके उसे चेंज कर देंगे, फिर देखते हैं कि आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, वही हमारा मेन है कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। देखिए इसके अंदर एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, पहले मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब आ जाइए, अपनी हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। ये जरूर कर लीजिए किया कीजिए, या इसके बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए, जिसको मेरे थ्योरेटिकल अभी नहीं पढ़े हो या बेसिक्स प्रैक्टिकल नहीं करे हो तो प्लीज कर लीजिए। मैंने पूरा बता रखा है कि चीजें क्या होती है इसके अंदर, प्री प्रोसेसर, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, ये वाइड मेन, रिटर्न टाइपिंग, ये क्या चीजें हैं, ये बेसिक पता होना चाहिए। इसके अंदर इंक्लूड का क्या मतलब होता है, हैश का क्या मतलब होता है, डॉट हैश का मतलब क्या होता है, आईओ का मतलब क्या होता है, हर चीज कर लीजिए आपके। मैं कह रहा हूँ छोटी से छोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नहीं होगा तो मेनली क्या होता है इंटरव्यूज में यही चीजें पूछी जाती है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन लगा के मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट का, ठीक है, ए से, ए नाम का। अब मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ फ्लोट, जिसका नाम मैंने दिया सी एल बी वी, मतलब कॉल बाय वैल्यू लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया फ्लोट नाम का, ये डिक्लेरेशन करी है मैंने, इसकी प्रोटोटाइप भी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब मैं प्रिंट टाइप करा के वही जो अपना करवाता हूँ कि दिस इज द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, ये सब लिख रहा हूँ, दैट दिस प्रोग्राम विल डेमोंस्ट्रेट द कॉल बाय वैल्यू बेस्ड फंक्शन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट लाइन में फिर से, प्रिंट एफ, एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने फ्लोट लिख दिया, बेसिकली कि फ्लोट टाइप का हो तो अच्छा है, which you want to pass as a parameter. scanf से मैंने वो वैल्यू ले ली। देखिए ध्यान रखिएगा कि आप ampersand f लगाए, कई बच्चे भूल जाते हैं और d लगा देते हैं, तो हमारा आउटपुट उस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, प्रिंट ऑफ द वैल्यू विच, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ लाइन, द वैल्यू विच इज रिटर्न बाय यूजर। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंने कोमा के बाद में फंक्शन को कॉल करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर मैंने क्या पास किया, ए वेरिएबल, मतलब एक फ्लोट वेरिएबल की डिक्लेरेशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। बॉडी तो मैं देखिए बाद में बनानी है, नीचे जाके बनाऊंगा, पहले मैं सारी चीजें लिख लेता हूं उसकी कि ये क्या है, द प्रिंट एफ द वैल्यू विच User has entered. देखिए यूजर ने क्या एंटर किया था, ए मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, प्रिंट एफ एंड यू हैव जस्ट सीन कॉल बाय वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या दो चीजें हो रही है कि रिटर्न क्या हुई है और यूजर ने क्या एंटर करी है, उसमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी जो पहले प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर आपको मैं एक्चुअल पैरामीटर और मेरे जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, प्रेस एन की टू एग्जिट। अब मैं अपना गेट सेट लगा के फंक्शन मेन बॉडी वाला तो खत्म कर रहा हूँ, और मैं अपना जो फंक्शन है जो फ्लोट सी एल बी वी, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया बी, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू 2.3.54। मैंने एक वैल्यू ले दी और रिटर्न करा दिया मैंने बी को। बी कहाँ जाएगा, इस सी एल बी वी के जो रिटर्न टाइप में जाएगा, और वहां से वो ऊपर कहाँ जाएगा, जहां पे इस फंक्शन की कॉलिंग हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, देखिए पहली चीज कि मैंने फंक्शन को कॉल करवाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और क्या हुआ, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये फंक्शन कहाँ जाएगा सीधा दोस्तों, हमारा उठ के जाएगा यहाँ पे, आपको पता ही इस बॉडी पे, और जो भी एग्जीक्यूट होगा वो रिटर्न हो जाएगा हमारे इस, ये बी कहाँ आ जाएगा यहाँ पे देखिए, और ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था। अब बात आती है एक्चुअल पैरामीटर और हमारे फॉर्मल पैरामीटर। देखिए ये होता है हमारा कॉलिंग ऑफ फंक्शन, जब फंक्शन कॉल होता है तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे दोस्तों वो होते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो हमारी कॉल्ड बॉडी होती है, या हम कैसे, हमारी ये क्या है कॉल्ड बॉडी, इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या है हमारे, हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, इसे हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए आउटपुट लेते हैं हम पहले कि यूजर ने क्या एंटर किया और बॉडी के अंदर आके वो क्या हो गया और जब वो वापसी रिटर्न हुआ तो उसका क्या फर्क पड़ा, ठीक है, वो चीजें हमें देखनी है। देखिए पहले प्रोग्राम को मैंने किया सेव और कंट्रोल F9, एंटर अ फ्लोट विच यू वांट टू पास एज अ पैरामीटर, मैंने डाला 11.98, ठीक है ये वैल्यू मैंने डाली। देखिए द वैल्यू विच इज रिटर्न बाय यूजर, यूजर ने क्या किया, देखिए मैंने वहां पे बी को क्या किया 23.54, उसने उसको 6 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमारा कंसेप्ट ये नहीं कि 6 में गया कितने में गया, बात ये है कि क्या पास हुआ। द वैल्यू विच इज यूजर हैज एंटर वो थी हमारी 11.98, ठीक है, एंड यू हैव जस्ट सीन द कॉल बाय वैल्यू अ नंबर, ठीक है। देखिए रिटर्न क्या किया दोस्तों 23 और यूजर ने क्या डाला 11.98, तो आपने क्या देखा कि वैल्यू जो होती है दोस्तों वो चेंज हो जाती नहीं है जब रिटर्न होता है फंक्शन, समझे दोस्तों। जब यूजर ने क्या रिटर्न किया उसको 23.54, इसका मतलब समझे आप कि यूजर ने तो रिटर्न कर दिया 23.4 बट उसके बाद क्या वो वैल्यू सेम रही, नहीं रही। जब हमने देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा था, वैल्यू विच यूजर हैज एंटर्ड वो भी चेंज होनी चाहिए थी, वो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एड्रेस पे काम नहीं करते, ये जस्ट वैल्यूज पे काम करते हैं कि आपकी जो बॉडी का एक ब्लॉक में जो उसकी रेंज उसका स्कोप था वो वहीं तक है, वो वहीं पे चेंज रहेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू जो होगी मतलब चेंज नहीं होती, जो दूसरी वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, पहली वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पे ये डिफरेंस है यहाँ पे, समझे। अब देखिए क्या हुआ, देखिए जब यूजर ने डाली 11 कुछ भी डाली थी, ठीक है 11 ले लीजिए, और यहाँ पे रिटर्न होके क्या आई 23.5 जो भी आई, मैंने अब देखिए दोबारा से एक ही वैल्यू प्रिंट करवाई तो क्या वो वैल्यू आई, नहीं, उसने जो पिछली वैल्यू थी जो यूजर ने डाली वही ली। तो ये चीज मैं दिखाना चाहता था दोस्तों आपको कि वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू, अब हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। देखिए दोस्तों इतना तो टॉपिक के अंदर था हमारा, इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो थ्योरेटिकल पोर्शन में जाके अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो इस ट्यूटोरियल को बार बार देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले ट्यूटोरियल में जल्दी मिलेंगे, टेक केयर।